कोरोना की दूसरी लहर ने देश में कोहराम मचा रखा है। कोरोना महामारी के फैलने को लेकर स्टडी में अब तक कई चीजें सामने आई हैं। अब लखनऊ के सीवर के पानी में कोरोना संक्रमण ने चौंकाया है। SGPGI के माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने 3 जगह से सीवर के पानी के सैंपल लिए थे, जिनमें से 1 जगह के पानी में कोरोना वायरस मिला है। SGPGI के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर उज्जला घोषाल ने इस बात की पुष्टि की है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद ICMR और WHO ने रिसर्च स्टडी शुरू की है। देश भर के अलग अलग शहरों में पानी में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए सीवेज सैंपल जुटाए जा रहे हैं। सीवेज सैंपल टेस्टिंग के लिए देश में 8 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें एक लखनऊ SGPGI है। लखनऊ में रुद्रपुर खदरा घंटाघर मछली मोहाल से सैंपल लिए गए थे। 19 मई को सीवेज सैंपल में वायरस की पुष्टि होने के बाद इसकी रिपोर्ट बनाई गई। ये रिपोर्ट NIV को भेजी गई है, जो कि ICMR को रिपोर्ट भेजेगा। पानी में मौजूद वायरस से संक्रमण फैलेगा या नहीं, ये अभी रिसर्च का विषय है। अब UP के अन्य शहरों से भी सैंपल जुटाए जाएंगे। फिलहाल सीवेज में कोरोना संक्रमण मिलने का कारण स्टूल माना जा रहा है। डॉक्टर घोषाल के अनुसार कोरोना संक्रमित तमाम मरीज होम आइसोलेशन में हैं, ऐसे में उनका मल सीवेज में आ जाता है, हो सकता है इसकी वजह से वायरस आया हो। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।